दोस्तों आईमो ऐप पर अगर आपको वॉइस मैसेज सेंड करने में या फिर कोई वॉइस मैसेज अगर आप सुनते हैं प्ले करते हैं प्ले करने में, ठीक है, सेंड करने में या प्ले करने में वॉइस मैसेज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको आईमो ऐप से बाहर निकलना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आईमो से बाहर निकल जाता हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको जो है आईमो ऐप पे 1 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करके रखना है, मतलब कि 1 सेकंड के लिए दबा के रखना है। उसके बाद यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आईमो को फोर्स स्टॉप कर देना है, उसके बाद स्टोरेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लियर डेटा करने वाला जो ऑप्शन होता है ना, इस पर क्लिक कर देना है। किसी किसी मोबाइल में स्टोरेज होता है, किसी किसी में क्लियर डेटा लिखा हुआ होता है, उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे क्लियर कैच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कैच कर दिया, ध्यान रहे क्लियर डेटा नहीं करना। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेटा यूजेज, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड डेटा, ठीक है, इसे आपको चालू रखना है। अगर ये आपका बंद है तो इसे एक बार चालू कर दें, ठीक है, और अगर ये आपका पहले से ही चालू है तो इसे एक बार बंद करें और वापस में जब ये बंद हो जाएगा फिर से चालू कर दें। उसके बाद बैक करें और यहाँ पे होता है एक परमिशंस, ठीक है, परमिशंस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन की जो परमिशंस है उसको डोंट अलाउ कर देनी है। उसके बाद बैक करें और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन की परमिशंस जैसे आपकी डोंट अलाउ हो जाए उसके बाद वापस फिर से नॉट अलाउड लिस्ट वाली परमिशंस में जाए और यहाँ से फिर से माइक्रोफोन पे क्लिक करके इसे अलाउ कर देना है। ऐसा करने से माइक्रोफोन की सेटिंग्स में कोई गड़बड़ हो रखी होगी परमिशंस में तो वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से बिल्कुल बाहर निकल जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्ले स्टोर को सर्च कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपको आईमो ऐप को सर्च कर लेना है। अगर आईमो ऐप आपकी अपडेट आ रखा है आईमो में तो आईमो को अपडेट कर देना है। जैसे आपकी आईमो ऐप अपडेट हो जाती है उसके बाद आपको एक बार अपना मोबाइल रिस्टार्ट कर देना है। जैसे मोबाइल रिस्टार्ट होगा और आईमो को आप वापस चलाएंगे, आपको जो भी वॉइस मैसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो आपकी फिक्स हो जाएगी, चाहे वॉइस मैसेज सेंड करने की प्रॉब्लम हो चाहे वॉइस मैसेज प्ले करने की प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी कितनी इंफॉर्मेटिव रही कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।